ओम शांति। आज है 12 फरवरी 2021। मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर, साक्षात्कार होना। यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंज जाते हैं। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे, और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं, इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है, पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं, उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है, साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान जाएगी, और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी, तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीएदान देना है। ओम शांति।